सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, एमएस वर्ड में हमें जैसे काम करना है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसपे हम क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने टाइप करने हो, लेटर्स एप्लीकेशन वगैरह बनानी हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड पहले आपने ओपन किस तरह करना है, स्टार्ट के अंदर जाएंगे हम। अब हमारे पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लेकिन अगर यहाँ नहीं आ रहा तो आप ऑल प्रोग्राम्स में अंदर जाकर यहाँ पर लिख भी सकते हैं वर्ड, एमएस वर्ड लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आपके पास वर्ड ओपन हो जाएगा। या वरना ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाएंगे, इसका फोल्डर बना हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से, फोल्डर को ओपन करके और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। आपने वर्ड को ओपन किया, ये आपके पास क्या ओपन हो जाएगा, वर्ड ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास वर्ड ओपन हो गया। सबसे पहले देखिए आपके पास ये वर्ड ओपन हो गया, ये जो व्हाइट पेज है ये क्या कहलाता है आपके पास, डॉक्यूमेंट्स पेज। ये आपका सारा मेन्यू बार कहलाता है। इस मेन्यू बार के अंदर ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इसको हम कहते हैं टूल्स बार। उसके बाद जब हम स्टार्ट के अंदर जाते हैं, किसी भी हमें प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, स्टार्ट बटन के अंदर। स्टार्ट बटन की तरह यहाँ पर एक ऑफिस बटन होता है, इसका यूजेस क्या होता है, जैसे हमें न्यू पेज चाहिए होता है, फाइल ओपन करनी है, सेव करनी है, तो आप इस ऑफिस बटन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ कोई भी वर्ड लिखेंगे, हमने लिखा बोल्ड, इटैलिक लिखा, कोई भी आप वर्ड ले लें यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले हमें इसको बोल्ड करना है। बोल्ड क्या होता है, आप कोई भी टेक्स्ट लाइट लिखते हैं उसको हम डार्क करने के लिए हम उसको कहते हैं बोल्ड। जब भी आप वर्ड में कोई काम करेंगे पहले हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किस तरह होता है, आपके पास माउस में दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट होती है और राइट होता है। आपने माउस से क्या करना है, राइट साइड पे क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करके खींचना है, तो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करेंगे, अब ये आपके पास टूल्स बार के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बी। बी का मतलब होता है बोल्ड। आपके पास टेक्स्ट लाइट आ रहा है, आपने जब बी पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह इटैलिक करना है, इटैलिक में क्या होते हैं, आपके पास स्ट्रेट अल्फाबेट आ रहे हैं, अब इसको स्टाइल के अंदर यानी टेढ़ा करना है तो उसको कहते हैं हम इटैलिक। सिलेक्ट करेंगे, आई पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इटैलिक। उसके बाद सेकंड वर्ड लिखेंगे, अंडरलाइन लिखा हमने। अंडरलाइन में हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट है ऑलरेडी इसके अंदर क्या आ रही है, अंडरलाइन आ रही है। अब हमारे पास यहाँ यू पे ऑलरेडी ओपन है तो हमारे पास अंडरलाइन इसमें आ रही है, लेकिन अगर हमारे पास नहीं आ रही तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कहाँ क्लिक करेंगे, यू पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद अब इसके अंदर हमें डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर अंदर अंडरलाइन चाहिए, तो इसी यहाँ पर यू के बराबर में पॉइंट्स बना हुआ आ रहा है छोटा सा एरो, इस पॉइंट्स के अंदर जाके अगर हम यहाँ डिफरेंट स्टाइल के अंदर अंडरलाइन चाहिए, डबल अंडरलाइन चाहिए, तो हम यहाँ से डिफरेंट स्टाइल के अंदर भी अंडरलाइन ले सकते हैं। उसके बाद हमें टेक्स्ट की साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करनी है, टेक्स्ट के अंदर कलर वगैरह क्रिएट करना है तो किस तरह करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कैलबरी बॉडी, कैलबरी बॉडी के अंदर जाके आपने क्या करना है, कोई भी इसमें कलर अप्लाई, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। ये आपका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, यहाँ से आपने अपनी मर्जी से टेक्स्ट का कलर चेंज किया, यहाँ से इसकी साइज इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से साइज डिक्रीज कर देंगे। टेक्स्ट की आपने पोजीशन वगैरह सेट करनी है तो टेक्स्ट की पोजीशन वगैरह किस तरह सेट करेंगे, यहाँ से आप लेफ्ट राइट सेंटर जो भी पोजीशन सेट करना चाहें अपनी मर्जी से पोजीशन सेट कर देंगे। उसके बाद अब आपने इसमें पिक्चर वगैरह किस तरह अप्लाई करनी है वर्ड के अंदर, जैसे हम सीवीज वगैरह हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर हम पिक्चर वगैरह किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पिक्चर, पिक्चर पे आपने क्लिक किया। अब आपके पास यहाँ सिंपल पिक्चर आ रही है, लेकिन आपके पास कोई पिक्चर नहीं आ रही तो आपको पता होगा कि आपने पिक्चर्स कहाँ सेव किए, डेस्कटॉप के अंदर सेव किए, डाउनलोड में सेव किए, कहीं भी सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास सिस्टम के अंदर पिक्चर्स मौजूद नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पिक्चर्स सेव होती है, सिंपल पिक्चर जिसपे आप नॉर्मली काम कर सकते हैं। पिक्चर्स के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल पिक्चर, सिंपल पिक्चर्स के अंदर जाकर आपने कोई भी पिक्चर ली और इसको क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। आपके पास पिक्चर इस पेज के ऊपर आ जाएगी, सिलेक्ट करके इंसर्ट करना है, देन अगेन पिक्चर आ जाएगी आपके पास। अब आपके पास ये पिक्चर आ गई पेज के ऊपर, अब पिक्चर की साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज है, अब आपने इसकी साइज डिक्रीज करनी है, यानी छोटा स्मॉल साइज में रखना है पिक्चर को। तो इसके लिए यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ टूल्स ओपन हुए, पिक्चर टूल्स, पिक्चर टूल्स के अंदर जाके आपने कहाँ क्लिक करना है, फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे।
अब आपके पास यहाँ पिक्चर बॉल साइज की इंक्रीज है, अब हमें इसकी साइज डिक्रीज करनी है। तो ये आपके पास कॉर्नर्स में पॉइंट्स आ रहे हैं, कॉर्नर से क्लिक करके आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपके पास पिक्चर क्या हो जाएगी, स्मॉल साइज में ड्रैग हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पर देखें वर्ड आर्ट, जब भी आप वर्ड के अंदर कोई पिक्चर शेप वगैरह के डिजाइन करेंगे तो इसके टूल्स लाजमी ओपन होंगे। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है फॉर्मेट, देखें अगर आपने आपकी सिलेक्शन पिक्चर के अंदर होगी तो आपके पास फॉर्मेट ओपन होगा, लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन बाहर होगी पिक्चर के अंदर नहीं होगी तो आपके पास इसके टूल्स और फॉर्मेट नहीं आएगा। अब हमने पिक्चर के अंदर क्लिक किया है तो आपके पास इसके टूल्स आ गए। फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, सबसे पहले हम इसको मूवमेंट देना चाह रहे हैं, मूव नहीं हो रही पिक्चर, तो क्या करेंगे हम फॉर्मेट के अंदर जाके पोजीशन पे क्लिक करेंगे। पोजीशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ देखें बहुत सारी पोजीशंस आ रही हैं। अब आपने यहाँ पर देखें फर्स्ट पे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पोजीशन नहीं अप्लाई होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर किसी यहाँ पर इसके आगे कोई पोजीशन नहीं, ये आपके पास जो पिक्चर की सिलेक्शन है ये वो सिलेक्शन आ रही है, आपने इसकी पोजीशन अप्लाई करनी है। तो नीचे कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी पोजीशन अप्लाई हो जाएगी। अब आप इसको उठाकर इस तरह कहीं भी इजीली मूव करवा सकते हैं। उसके बाद अब आपने इसमें पिक्चर के स्टाइल्स वगैरह क्रिएट करने, तो वो किस तरह करेंगे, पिक्चर इफेक्ट के अंदर जाके यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है शेडो, शेडो के अंदर जाकर आप इसके अंदर कोई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर बॉर्डर क्रिएट करना है, बॉर्डर अब यहाँ पर देखें बिल्कुल लाइट बॉर्डर है, आपको नजर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे हम पिक्चर स्टाइल के अंदर जाकर पहले हम इसके अंदर स्टाइल क्रिएट करेंगे। अब आपके पास स्टाइल आ गया, पिक्चर बॉर्डर के अंदर जाके अब हम क्या कर देंगे, इसके अंदर कोई भी कलर अप्लाई करेंगे तो आपके पास बॉर्डर के अंदर कलर आ जाएगा। उसके बाद अब आपने पिक्चर को शेप के अंदर स्टाइल वगैरह क्रिएट करना है, शेप के अंदर स्टाइल किस तरह क्रिएट करेंगे पिक्चर के अंदर, पिक्चर शेप के अंदर जाकर आपने इसके अंदर क्या करना है, कोई भी इस तरह स्टाइल दे देना है। अब आप पिक्चर के अंदर आप अपने शेडो देना है, तो पिक्चर इफेक्ट के अंदर जाके सिलेक्ट करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से क्या कर देंगे हम इसके अंदर कोई भी शेडो अप्लाई करेंगे इस तरह। तो देखिए आपके पास पिक्चर के नीचे ट्रांसपेरेंट के अंदर लाइट लाइट शेडो आ रहा है। अब आपने शेप वगैरह डिजाइन करना है, तो जैसे स्टार का शेप हो गया, हार्ट का शेप हो गया, वो किस तरह डिजाइन करते हैं हम, उसके लिए भी हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है शेप, शेप आ रहे हैं यहाँ पे। अब आपने शेप के अंदर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास बहुत सारे डिफरेंट साइज के अंदर शेप्स आ रहे हैं। कोई भी आपने शेप लिया, जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास शेप नहीं आया, क्यों नहीं आया, जैसे हमने पिक्चर पे क्लिक किया था ना तो पिक्चर डायरेक्टली आपके पास पेज के अंदर आ गई थी, अब शेप को नहीं आता। शेप को आपने क्या करना है, जस्ट शेप को आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, उसके बाद माउस से राइट क्लिक करके क्या करेंगे हम इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ किया आपने यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए इसके टूल्स ओपन हो गए, ड्राइंग टूल्स, ड्राइंग टूल्स के अंदर जाके कहाँ क्लिक करना है आपने, फॉर्मेट के अंदर, इसमें जैसे कलर वगैरह अप्लाई करने है, कोई ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देना है, शेडो देना है, तो हम ड्राइंग टूल्स के अंदर जाके कहाँ क्लिक करेंगे, फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट के अंदर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है शेप स्टाइल, शेप स्टाइल के अंदर जाकर आपने क्या करना है, कोई भी इसमें स्टाइल अप्लाई कर देना है इस तरह। स्टाइल के अंदर हमने कोई भी कलर दे दिया, अब आपने इसके अंदर पिक्चर कोई डिफरेंट कलर अप्लाई करने, देखें शेप स्टाइल के अंदर ऑलरेडी बने बनाए कलर्स हैं, आपने अपनी मर्जी से कोई भी डिफरेंट कलर देने, तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ रहा है शेप फिल, शेप फिल के अंदर भी जाके आप यहाँ से कोई भी पिक्चर भी दे सकते हैं, ग्रेडियंट दे सकते हैं, टेक्सचर दे सकते हैं और पैटर्न दे सकते हैं। पिक्चर देनी है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, कोई भी आपने पिक्चर सेलेक्ट की और इसको इंसर्ट कर देंगे तो आपके पास शेप के अंदर पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद ग्रेडियंट क्या होते हैं, जैसे आपके पास डिफरेंट कलर्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट कलर। टेक्सचर्स क्या होते हैं, जैसे आपके पास लाइट से कलर्स होते हैं उनको कहते हैं हम टेक्सचर। और पैटर्न्स कैसे कलर होते हैं, जैसे आपके पास डिजाइनिंग से सिंपल से कलर होते हैं तो उसको हम कहते हैं पैटर्न। पैटर्न के अंदर आपने कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। ओके कर देंगे तो देखिए आपके पास शेप के अंदर कलर आ जाएगा पैटर्न के अंदर। अब आप इसके अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसकी साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो कॉर्नर से पकड़ के हम खींचेंगे तो आपकी साइज इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद अब इसमें राइट करना चाह रहे हैं कुछ तो क्या करेंगे, ये जो शेप की आउटलाइन आ रही है इस पर हमने राइट क्लिक किया और कहाँ क्लिक करेंगे, एड टेक्स्ट के अंदर। एड टेक्स्ट के अंदर हमने क्लिक किया तो आपके पास कर्सर कहाँ आ जाएगा, टेक्स्ट के शेप के अंदर आ जाएगा। अब आपने इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखा, जैसे हमने कोई भी टेक्स्ट राइट कर दिया, अब आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद होम के अंदर जाएंगे, आपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया अपनी मर्जी से,
इसकी साइज इंक्रीज कर दी, फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना है अपनी मर्जी से, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे। पोजीशन देनी है अपनी मर्जी से, यहाँ से पोजीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने इसको उठाकर कहीं भी मूव करवाना है तो कॉर्नर आउटलाइन से उठाकर इसको कहीं भी मूव करवा सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें टेक्स्ट बॉक्स वगैरह अप्लाई करना है तो वो किस तरह करेंगे, उसके लिए जैसे आप पोएम्स या पोएट्रीज इस तरह की चीजें बनाते हैं तो उसके लिए यूज होता है टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट के अंदर जाएंगे हम, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाएंगे तो देखें बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल के अंदर टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं। कोई भी आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया यहाँ से, अब इसके अंदर ना यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ऑलरेडी, आपने इसको बैक स्पेस से रिमूव किया, अपनी मर्जी से कोई भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट राइट किया, इसी के अंदर आप इंटर प्रेस करते जाएंगे और टेक्स्ट राइट करने के लिए तो इसी के अंदर टेक्स्ट बॉक्स इंक्रीज हो जाएगी, इसके साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद अब आपने इसमें कोई कलर वगैरह अप्लाई करने तो वो किस तरह करेंगे, इसके भी टूल्स ओपन हो जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स टूल्स के अंदर जाके कहाँ क्लिक करना है आपने, फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, शेप फिल के अंदर जाकर आपने कोई भी यहाँ से सिंपल कलर ले लिया, स्टाइल लेने टेक्स्ट बुक स्टाइल के अंदर जाकर आप क्या कर देंगे, इसके अंदर कोई भी स्टाइल दे देंगे यहाँ पर अपनी मर्जी से। आउटलाइन देनी है अपनी मर्जी से, शेप आउटलाइन के अंदर जाकर आपने अपनी मर्जी से क्या कर दी, नहीं कोई भी आउटलाइन दे देंगे। शेप आउटलाइन के अंदर जाके इसकी विथ इंक्रीज करनी है तो अपनी मर्जी से इसकी विथ भी इंक्रीज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स की आपने आउटलाइन वगैरह चेंज करनी है, चेन शेप के अंदर जाकर आप इसकी आउटलाइन की शेप भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह आपके पास शेप के अंदर आ जाएगा टेक्स्ट बुक्स। कलर वगैरह और चेंज करने हैं, पिक्चर देनी है, टेक्सचर देना है, ग्रेडियंट देना है अपनी मर्जी से, टेक्सचर या ग्रेडियंट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी साइज इंक्रीज डिक्रीज करनी है, कॉर्नर से पकड़ के खींचेंगे तो अपनी मर्जी से साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। रोटेट करना है आपने टेक्स्ट बॉक्स को, तो ये ग्रीन पॉइंट दिख रहा है आपके पास, इसको पकड़ के माउस को जिस साइड घुमाएंगे तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाएगा, उस तरह रोटेट हो जाएगा। अब आपने वर्ड आर्ट लेना है, वर्ड आर्ट हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे हमें टाइटल्स वगैरह अप्लाई करना होता है, सीवीज का टाइटल लिखना होता है, कोई भी टाइटल लिखना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट किस तरह लेंगे, इनसेट के अंदर जाएंगे हम, कहाँ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में आपने क्लिक किया, अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड आर्ट लेंगे, यहाँ से यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे अपनी मर्जी से, जो भी आप राइट करना चाहें, टेक्स्ट लिखा आपने और इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अब आपने जिस स्टाइल के अंदर वर्ड आर्ट लिया है ये आपके पास उसी कलर के अंदर आ रहा है। अब आपके पास ये शेप के ऊपर आ गया, आपने इसको उठाकर कहीं भी मूव करना है तो क्या करेंगे, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, वर्ड आर्ट टूल्स के अंदर जाके कहाँ क्लिक करना है आपने, फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट के अंदर क्लिक करेंगे, पहले अप्लाई करेंगे इसके अंदर पोजिशन ताकि हमारा टेक्स्ट जो हो कहीं भी इजिली इस तरह मूव हो जाए। पोजिशन अप्लाई की, उसके बाद इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना है, वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर जाकर आपने क्या करना है, कोई भी इसका स्टाइल चेंज कर देना है, इस तरह वर्ड आर्ट शेप स्टाइल के अंदर जाकर आपने क्या कर देनी है, कोई भी इसकी स्टाइल चेंज कर देनी है इस तरह। उसके बाद 3D इफेक्ट अप्लाई, डिफरेंट इफेक्ट अप्लाई करने, शेडो इफेक्ट भी दे सकते हैं आप अपनी मर्जी से, 3D इफेक्ट देना है अपनी मर्जी से, यहाँ से 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं। 3D इफेक्ट के अंदर आपने कलर अप्लाई करना है तो 3D इफेक्ट के अंदर आप यहाँ से कलर भी कोई अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह पिक्चर वगैरह अप्लाई करनी है इस टेक्स्ट के अंदर, शेप फिल के अंदर जाके आपने कहाँ क्लिक करना है, पिक्चर के अंदर, पिक्चर के अंदर हमने क्लिक किया, कोई भी डिफरेंट साइज से पिक्चर पिक्चर आपने उठाई और इसको क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। आउटलाइन वगैरह देनी है आपने टेक्स्ट के अंदर तो यहाँ से अपनी मर्जी से आउटलाइन भी दे सकते हैं। शेप होम के अंदर जाएंगे, यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो अपनी मर्जी से इस तरह स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने स्मार्ट आर्ट अप्लाई करना है, वो किस तरह करेंगे, स्मार्ट आर्ट जिसे डिजाइनिंग वगैरह के लिए यूज होता है स्मार्ट आर्ट, उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, अगेन इंसर्ट के अंदर जाएंगे, अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट के अंदर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ डिफरेंट स्टाइल के अंदर स्मार्ट आर्ट आ रहे हैं। कोई भी आपने अपने वर्ड से स्मार्ट आर्ट लिया यहाँ से और इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, क्लिक करके ओके कर देना इस तरह। अब आपके पास यहाँ इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, नंबर राइट करना चाहे नंबर भी राइट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी इंसर्ट करना चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने इसके अंदर डिफरेंट कलर्स वगैरह अप्लाई करने तो वो किस तरह करेंगे, यहाँ पर टूल्स आ रहे हैं आपके पास स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंदर जाके आपने कहाँ क्लिक करना है, डिजाइन के अंदर,
डिजाइन से हम क्या करेंगे, स्मार्ट आर्ट का कलर चेंज करेंगे। चेंज कलर के अंदर जाकर